नमस्कार सबको नमस्कार मैं संजीव निशारदा केंद्र की तरफ से आप सबका एक बार फिर अभिनंदन करता हूं हम पहले प्रार्थना करेंगे ओम नमस्ते शारदे देवी, देवी। कश्मेर नित्य विद्या लास्ट टाइम कल हमने किया था प फ ब ब म एक बार रिवीजन करेंगे प ब ये कल वाला था आज हमें जो अगला हमारा लेसन है वो य वर्ग है य हम पहले देवनागरी में लिखेंगे र मैं पहले देवनागरी का बताता हूं य र ल व राइट अब हमें एक एक करके ये आज शारदा लिपि में कैसे लिखते हैं पहले हम ले लेंगे य शारदा लिपि में भी ये ऑलमोस्ट सेम ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है ये एक बार फिर लिखेंगे यह बस फर्क यह है कि देवनागरी में नॉर्मली ऐसे होता है तो यहां पर हमने बिल्कुल ऐसे दिखना है दिस द डिफरेंस य ज्यादा कोई फर्क नहीं है देवनागरी और शारदा में यह था पहला आज पहला वॉब सॉरी कॉन्सोनेंट सेकंड र र लिखते हैं हम शारदा लिपि में रो. एक बार फिर से लिखेंगे रो. र मगर बीच में फिल करना है यह हो गया नेक्स्ट ल लो को हम ऑलमोस्ट ल ऐसे ही है लेकिन थोड़ा सा फर्क ये है it is, ये ऐसे ल होता है ये नीचे तक नहीं होना चाहिए थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए इट बी लाइक दिस ये ये इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर होता है ल एक बार फिर लिखेंगे ज्यादा कोई फर्क नहीं है अगर मान लीजिए डिफरेंट राइटर इट स्लाइटली डिफरेंटली तो हमें पता चलेगा क्योंकि जैसा और कोई भी लेटर नहीं है, सो हमें पता। सिर्फ एक न हमने किया था, अगर आपको याद होगा न मैंने ऐसे बताया था देखो फर्क है तभी मैंने उस टाइम कहा था बहुत सारे लोगों ने ऐसे लिखा था और वो गलत था वो कंफ्यूजन हो सकता है न जो है ये वाला न जो है देवनागरी का वो हम ऐसे लिखना है तभी हमने उसको वो एक है इसके थोड़ा सा ये ये तो ल है बिल्कुल जब ऊपर शुरू रेखा होगी तो ल होगा अब इसके बाद नेक्स्ट है ल के बाद व में भी खास कोई फर्क नहीं है देवनागरी और इसमें क्यों ये व है देवनागरी का हिंदी में और हम जब व यहां पर लिखते हैं लगभग लगभग सेम ही है ऐसे लेते ये मगर स्ट्रेट होना चाहिए थोड़ा सा और ये वो ऐसे होता है मैं फिर लिख रहा हूं व क्योंकि व जैसा भी कोई और नहीं है सिर्फ ब में थोड़ा सा व बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही है सिर्फ यहां पर देवनागरी में ये सर्कुलर होता है बिल्कुल ऑलमोस्ट सर्कुलर यहां सर्कुलर नहीं होता है फ्लैट टाइप होता है ये व लिखा होता है ऐसे लाइक दिस व फिर नेक्स्ट नेक्स्ट इज श जो देवनागरी में श होता है और जो शारदा में जो देवनागरी में म होता है तकरीबन वैसे यहां पर श होता है दिस sure. इज एक बार लिखेंगे श sure. आपको याद होगा कि हमने कहा था कि जो शारदा लिपि में म होता है उसके ऊपर शिरोरेखा नहीं है मैं वो भी थोड़ा सा बता रहा हूं दिस इज शारदा लिपि एंड दिस इज स दोनों में शिरोरेखा नहीं है दिस इज स अगर पूर्व देखो स स एंड अगर पूरी शुरू रेखा है देन इट इज शुरू रेखा नहीं है और यहां पर ये यह ट्राइंगुलर है देन इट इज स ये हमने ऑलरेडी स so अभी किया नहीं हमने अभी हम आगे करेंगे कल करेंगे लास्ट में म हमने किया हुआ so sure जो है। शो है शो इज लाइक दिस अब हम एक बार फिर सारे लिखेंगे एक साथ पहला था ये दूसरा है यो, फिर इसके बाद है नेक्स्ट र, फिर है ल व और व के बाद है श श य र ल व देख सकते हैं य र ल व श जो हिंदी वाला था नेक्स्ट फिर हमने किया स्टार्ट से ये यो है, ये उसके बाद र उसके बाद ल उसके बाद व, और लास्ट में हमने किया श उसके बाद सारे एक साथ हमने लिखे य